हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भाटिया, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। ये मैं डीमार्ट गई थी घर जाने से पहले, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेके आना था डीमार्ट से। तो मैं आज, भाई आया हुआ है मुझे लेने के लिए, वो घर पर सो रहा है। तो मैं आई थी डीमार्ट पाव भाजी बनाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पाव भाजी। सो अभी बाहर जा नहीं सकते थे तो मैंने सोचा हम घर पर ही बना लेते हैं। उसके बाद में है मैं आ गई थी मिठाई की शॉप पे, क्योंकि घर से हर बार मिठाई आती है इनके लिए। इस बार हमने वहाँ से नहीं मंगवाई, क्योंकि गर्मी है और बहुत लंबा ट्रैवल है तो ख़राब वगैरह हो जाएगी। तो इनको है जो रसमलाई बड़ी पसंद है, तो मैं इनकी फेवरेट मिठाई यहाँ से लेने के लिए आई थी, क्योंकि वो तो अभी ऑफिस गए हुए थे। तो मैंने सोचा मैं जाते टाइम में मिठाई उनके लिए है जो यहाँ से ले जाऊँ, और यहाँ की जो रसमलाई है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने है वो फर्स्ट टाइम पाव भाजी बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी थी, लगा ही नहीं था कि घर पे बनाई हुई है। क्या मैंने पहली बार ट्राई की थी और ये सच में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन लोगों को भी बहुत पसंद आई थी, मतलब भाई को और इनको। जिसका अच्छा है, इतना पसीना आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है सही में अच्छा है। कैसा है टेस्ट देखो, रेडी खिलवा दो, पार्टनर बन जाना। ठीक है फिर। ओ, दो दिन बाद में दोबारा बोलना। आज कितनी तारीख हुई है? आज एक तारीख नहीं है बाय द वे, आज है 29। आज है 29 और नेक्स्ट 29 को आ जाऊंगी मैं। ठीक है, ठीक है ना? ये मैं जोकी के दो पजामे लेके आई थी, शायद आई थिंक 2 साल पहले लेके आई थी। और एक तो मैंने अभी जस्ट निकाला है, और इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया था, ये तो नया का नया पड़ा था। एक मैंने पहन लिया था और मैं गिर गई थी तो घुटने से फट गया था, नया का नया पजामा। उसके बाद में मैंने इस वाले को निकाला ही नहीं है। अब मैं जा रही हूँ ट्रेन में, अभी बस नहा के आऊँगी फिर आपसे मिलूंगी। ये मैं यही पहन के जा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट का सफ़र है और मैं कंफर्ट नहीं रहूंगी। तो मैंने सोचा मैं ये वाला पहन लेती हूँ, क्योंकि ये कॉटन का है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो पहले मैं रेडी होके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जाने से पहले मुझे हमारा खाना भी बनाना था, तो बस मैं नहा के फिर खाना बनाने चले गई थी, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से। घर से और रेलवे स्टेशन का हमारी 9 से 10 किलोमीटर का सफ़र है। हम टाइम पे निकल गए थे, क्योंकि शाम के 6:15 बजे की ट्रेन थी, और शाम के टाइम में आपको पता है ट्रैफिक कितना रहता है। और जब हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, हमें घर से इतना टाइम नहीं लगा, जब उसके पास हमें कम से कम आराम से 15 से 20 मिनट वहीं पे लग गए। लेकिन फाइनली हम जो है टाइम पे पहुंच गए थे ट्रेन के। और हमारे साथ भाभी भी जाने वाली थी, लेकिन वो हमारे साथ नहीं थी, भाई उसको स्टेशन पर छोड़ गया था, और ये उसकी बेटी। कहाँ चढ़ेगी इस पे? कहाँ चढ़ेगी इस पे? गिर जाएगी फिर ट्रेन आने वाली। ट्रेन है वो आज थोड़ी लेट थी, मतलब शायद 6:30 के आसपास ट्रेन है वो चली थी। हम हैं जो रात के 1:30 बजे पहुंचे थे, उससे ठीक 1 घंटा पहले हैं जो रोमिका का पियर आता है, तो हम उनको वहीं उतार के आ गए थे। उनका भाई उनको जो रेलवे स्टेशन पे लेने आ गया था, क्योंकि वो भी राखी बांधने के लिए ही घर पे आए, पियर आए हैं मतलब। अब यार ये रंगोली अभी भी बड़ी है, गई थी लाइट लाइट कलर की। के करना पड़ा ना, कितना वजन उठाना पड़ा है ना। और तेरी ना ट्रॉली वैसे खर्चा ला लेता तो इसको ठीक। मैं उठने के बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया, पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। रात के 8 बजे मैंने फिर कैमरा उठाया था, ये मामोसा के बच्चे वो आए हुए थे, मामोसा भी आए हुए थे मम्मी से राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि मैं मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो पूरे दिन मैं मम्मी से ही बात करने में बिजी थी। और बीनी है वो किचन में खाना बना रहे हैं, और बच्चे यहाँ बैठे हैं, मम्मी और मामोसा बाहर वाले रूम में बैठे हैं। और जो मेरे नानी सा है, उन्होंने मेरे और मम्मी के लिए राखी का नेग है जो पहले से उन बच्चों के साथ बिछवा दिया। तो हो मारपंती देंग ऐसी बात है, हैं मारपंती देंग भाई दे नानी ये चीज में पंती कौन कर सु नानी गन तो जाओ
नानी बुलाए रोटी कौन खा रहे हो नानी गन किसी बार गए बॉस तो इसी आएगी हो तो नानी तो जीवती बैठी है ले पांती दे क्यों दे मेरी नानी का रकम मा सो उसके बाद है मैं YouTube पे अपने ही पुराने वीडियो देख रही थी जो मैंने चैनल पर डाल रखी थैली दे जलेबी अब रोज बोले पीछे तू खेल ला खेल ला तेरे को नहीं जुआई मारो को लग गया तू ये पहनेंगे भाई ये मैं भैया रख पहनेंगे आज हम बीननी आओ तो टिक्को तो काट दे तो भतीजी की राखी तो बांध ही सको राखी हाँ क्या ही कर लियो जय महाकाल साल पानी गिर के गोल हाँ अरे फोटो तो खींचे है बावल हो रहे तो तू थोड़ी थोड़ी पैदा है बच्चन बेस नहीं तो बेस लिया मम्मी बेस देख बेस किन है मम्मी आवाज भी लगाई तन अटी रख दे ऊपर हाँ मान रहे हो मतलब आप भी रहे हो लेकिन हाँ इल्लू आती कैमरा में हम कालिंग नहीं आने चाहिए कालिंग मूस इसी है ना तू बना कैमरा कट करना ना ली है एक कैमरा में फोटोग्राफ कैमरा मैन जल्दी वहां से हटो रखने तो दो रात में
सारी उम्र
पापा एक काम करा जे गास छे तो पापा नोर भेजो सावड़े ले पापा ने भेजनी पड़ेगी पापा की थारी दूध कोनी बड़ी मां आपका हाइट को जोड़ो ढूंढ लियो है पापा बड़ी माँ आपका हाइट को जोड़ो ढूंढ लियो है फिर इंस्टाग्राम पर और लगा होगा फोटो सेशन चल रहा है फ्लैश पड़ा है वीरेंद्र की हिंदी बहुत खराब है शुद्ध हिंदी का उच्चारण करना चाहिए शुद्ध हिंदी वीडियो बनानी है पिक्चर भावना आपकी पिक्चर देखी गई कितनी सोनी खींच के लिया भाई जो साइड भाभी सा साइड भावना भाई के बंदो ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बैठी है फोकस पा गई है आगे चले आगे
सो राखी बांधने के बाद में सब फ्रियों के थे। मैं उधर मम्मी और बुआ सा के पास बड़ी मम्मी के पास बैठ के बातें कर रही थी और ये लोग कुछ रील्स के लिए शूट वूट कर रहे थे, वीडियोस वगैरह। सो छोटे वाले बीनी हैं वो हमारे पीहर गए हुए थे अपने छोटे अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो उन्होंने आने के बाद में बंधवाई थी, तो उसकी क्लिप भी मैं आगे ऐड कर दूँगी। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। क्योंकि ड्राव है सेल्फी इफेक्ट लगा ले सेल्फी से कपड़ा तो सुनो कर दे कि लंबी खींच दे यार ओ भाई प्रेज बड़ा राक्षस को मेरे तो कोई पीछे ना होया मार तो ये थोड़ी सी तो फर्क है सांप हो है फिर बाबा पट्टा री फोटो भेजी मनी तो पट्टो लगा रखे है मेरा वेट बढ़ने लग गया ये भी कोई कौन कराए जो ही नहीं करवाना सो इस ब्लॉक को नहीं एंड करते हैं।